दो विशेष प्रोडक्ट हैं, एक तो एंटी रिंकल और एक ये ब्यूटी क्रीम। इनके बारे में भी थोड़ा सा आपका परिचय कराता हूँ। पहले मैंने चिरौंजी, बादाम, पपीता, केला, फिर जोजवा और एलोवेरा, इन सब का प्रयोग करके मैंने लोगों को कहा कि आप इनका लेप बना करके लगाइए और उससे आपके चेहरे के जो रिंकल्स हैं, चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब कुछ कुछ लोग तो जो जागरूक हैं, उन्होंने बादाम से लेकर के, चिरौंजी से लेकर के, हल्दी और पपीता का पल्प, केले का पल्प और एलोवेरा, इन सब का मिक्स करके लगाया और उनके रिंकल्स ख़त्म हो गए। लेकिन सब लोग तो ऐसा नहीं कर सकते। ये है एंटी रिंकल क्रीम और इसका भी इस्तेमाल हमने बहुत बहनों पर किया और हमने देखा लगभग 1-3 महीने के लगातार प्रयोग से उनके रिंकल्स गायब हो गए। तो ये एकदम जो है, क्योंकि इसका रंग कोई सफ़ेद नहीं मिलेगा, क्योंकि सफ़ेद में फिर वो जड़ी बूटियों तो होंगी ही नहीं, तो कुछ थोड़ा इसमें बेस मटेरियल, बाकी सब जड़ी बूटियाँ इसके अंदर, और पूरी जड़ी बूटियों का जो फार्मूलेशन है वो इसमें लिखा हुआ है। आप कोई भी इसका इंग्रेडिएंट पूरे पढ़ सकते हैं और ये 100% इसके अंदर है। हम इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते क्वालिटी को लेकर के। तो इसका इस्तेमाल खास करके यहाँ रिंकल्स आ जाते हैं आँखों के नीचे, और जो है इसको भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को माथे पर भी बहुत रिंकल होते हैं तो ये रिंकल्स के लिए, और किसी किसी को तो चेहरे के अलावा हाथों पर भी समस्या रहती है। तो आप कहीं पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो आपको एक प्रयोग करने के विधा से इसको बता रहा हूँ, सब जानते हैं वैसे प्रयोग करना। तो उसके बाद मैंने ये एंटी रिंकल क्रीम को भी आपको किस तरह से अप्लाई करना है वो थोड़ा सा बताया। जिनके हाथों में रिंकल्स हैं वो हाथों में भी इसको लगा सकते हैं। चेहरे के रिंकल्स के लिए तो अद्भुत है ही है, और आप 1 महीने से लेकर के 2-3 महीने में इसके पूरे रिजल्ट देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप खुद इसके इस्तेमाल करें और औरों को भी बताएं कि किस तरह से ये हमारी जो आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, इनकी एक अद्भुत महिमा है।